मेकर्स नहीं चाहते थे कि मैं विनर बनूं। आसिम रियाज बोले, मुझे हराने के लिए पहले ही वोटिंग लाइन खुल गई थी। शहबाज ने कहा, शेर एक ही होता है। बिग बॉस 13 में रनर अप रहे आसिम रियाज इन दिनों अपने डेब्यू म्यूजिक रैप सिंगल के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने बिग बॉस में अपने जर्नी के बारे में बात की। आसिम ने चौंकाते हुए कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला धांधली से बिग बॉस 13 के विनर बने थे। आसिम के मुताबिक विनर का नाम पहले ही कन्फर्म हो गया था। मेकर्स नहीं चाहते थे कि मैं शो का विनर बनूं। उनके इस स्टेटमेंट पर शहनाज गिल के भाई शहबाज का रिएक्शन आया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए आसिम पर निशाना साधा है। मेकर्स नहीं चाहते थे मैं विनर बनूं। आसिम रियाज ने कहा कि शुरुआत में वो बिग बॉस के लिए रिजेक्ट हो गए थे। उन्होंने तो घर जाने के लिए अपना बैग भी पैक कर लिया था, लेकिन फिर उन्हें बिग बॉस से दोबारा कॉल आया। उन्होंने बिग बॉस में अपने जर्नी और रनर अप रहने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो मेकर्स नहीं चाहते थे कि मैं शो का विनर बनूं। उन्होंने 15 मिनट के ऑनलाइन वोटिंग खोल दी थी। अरे यार, बस इतना कहो ना कि तुम मुझे जिताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। उस टाइम उन्होंने जो भी किया, मुझे विश्वास करना पड़ा कि जो हो रहा है सब ठीक है। हालांकि आसिम का ये स्टेटमेंट दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को नागवार गुजरी है। सोशल मीडिया पर आसिम की काफी ट्रोलिंग हो रही है। शेर हमेशा एक ही होता है। शहनाज गिल के भाई शहबाज ने बिना नाम लिए आसिम पर कटाक्ष किया है। शहबाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, कुछ लोगों को अब भी ये बात समझ नहीं आती कि शेर एक ही है और एक ही रहता है। हालांकि शहनाज गिल ने इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया है। सोर्सेज के मुताबिक शहनाज आसिम के इन दावों पर कोई रिएक्शन नहीं देंगी। उनके फैंस सिद्धार्थ से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और वे उनके हेटर्स से निपटने के लिए काफी हैं। कभी दोस्त को कभी दुश्मन बने सिद्धार्थ आसिम रियाज बिग बॉस 13 में रनर अप रहे थे। उन्हें हटाकर सिद्धार्थ शुक्ला शो के विनर बने थे। शो की शुरुआत में आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती गहरी थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच खूब झगड़े हुए थे। आसिम ने अपने और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने उस घर में सिद्धार्थ के साथ 140 दिन बिताए थे। मेरा उससे काफी जुड़ाव हो गया था। मेरा बाहर भी कोई दोस्त नहीं था। ऐसा कनेक्शन मेरा कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। हमारा लड़ना भी 4 दिन के लिए था और हंसना भी 4 दिनों के लिए था। कसम खाकर कहता हूँ, सिद्धार्थ मेरे सपने में आया था। आसिम ने इंटरव्यू में सिद्धार्थ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसका भास उन्हें पहले ही हो गया था। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो मेरे सपने में आया था। मुझे पता था कि कुछ गलत होने वाला है। मेरे कजिन रूहान का मेरे पास फोन आया। उसने मुझसे कहा कि भाई न्यूज ऑन करो। हालांकि उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई क्योंकि उसे पता था कि मैं कितना इमोशनल और संवेदनशील इंसान हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। अब हाल ही में बिग बॉस में उनके साथी कंटेस्टेंट रहे असीम रियाज ने सिद्धार्थ को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आसिम का कहना है कि उन्हें पहले ही आवाज हो गया था कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत होने वाला है। आसिम के मुताबिक निधन के चंद समय पहले सिद्धार्थ उनके सपने में आए थे। जब सिद्धार्थ का निधन हुआ तो आसिम उन चुनिंदा लोगों में से थे जो सबसे पहले उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। निधन के पहले मेरे सपने में आया था सिद्धार्थ। आसिम रियाज बोले, मुझे पता था कुछ गलत होने वाला है, आभास हो गया था। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं।